Hello students, this is dhiraj Kumar, your English facilitator. In this video, we will cover and continue the chapter on the face of it from your Vistas book. This is the third part of the chapter. Here we will cover from pages sixty-three to sixty-five. If you haven't seen its first and second part, you can watch it in my previous lectures. So. वी डिड वेन डेरी सेड दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स वैन आई एम नोट देयर कि जब मैं उनके साथ नहीं होता दे हेयर रेफर टू हिज़ पेरेंट्स तो वो जब कहता है कि जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं होता तो मैंने सुना है वो मेरे बारे में अक्सर बातें करते हैं कि इसका क्या होगा जब हम यहाँ नहीं रहेंगे यानि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा ये लाइफ में कैसे जी पाएगा ये कैसे रहेगा इस फेस के साथ तो ऐसी बातें वो करते हैं मेरे बारे में अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स टू लेग्स आईज एंड ईयर्स यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन यू विल गेट ऑन द वे यू वांट

भी मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे पास दो हाथ हैं दो टांगे हैं कान हैं आँखें हैं टंग है ब्रेन है यूज़ करने को क्या नहीं है तुम्हारे पास इनडायरेक्ट वो कहना चाहता है भी एक तुम्हारा फेस ही जला हुआ है बाकी तो सब कुछ है कहता है यू विल गेट ऑन द वे यू वांट जैसा तुम चाहो ना वैसा हो सकता है लाइक ऑल द रेस्ट जैसे बाकी करते हैं उनकी तरह तुम भी कर सकते हो और अगर ठान लो इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड कहता और मन बना लो और डिसाइड कर लो तुम उनसे कहीं फार बेटर अच्छा कर सकते हो फार बेटर चीजें कर सकते हो डेरी कहता है कैसे लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू जैसे मैं करता हूँ अब डेरी के मन में फिर क्वेश्चन आया डू यू हैव एनी फ्रेंड्स आपके दोस्त हैं आपके कोई दोस्त हैं अब वो देखता है ये तो अकेला रहता है लैम कहते हैं हंड्रेड्स कहता सैकड़ों हैं डेरी कहता बट यू लिव बायर सेल्फ इन दैट हाउस इट्स अ बिग हाउस टू कहता लेकिन आप तो इस घर में अकेले ही रहते हो और इतना बड़ा घर भी है ये रहते तो आप अकेले ही हो फ्रेंड्स एवरीवेयर कहता मेरे दोस्त तो हर जगह हैं हर कोई मेरा दोस्त है पीपल कम इन एवरीबडी नोज मी द गेट इज ऑलवेज ओपन दे कम एंड सिट हेयर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पेयर्स एंड फॉर टॉफी आई मेक टॉफी विद हनी एनी बडी कम्स सो हैव यू कहता फ्रेंड्स के क्या है फ्रेंड्स तो हर जगह हैं लोग आते हैं मेरे पास अक्सर आते हैं हर कोई मेरे को जानता है मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है वो लोग आते हैं मेरे साथ बैठते हैं बातें करते हैं हम आग के सामने बैठते हैं विंटर्स में और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास एप्पल्स और पेयर्स के लिए मेरे गार्डन में और टॉफ़ीज़ के लिए भी मैं वो जो मेरा बिहाइव है उसके हनी से टॉफ़ीज बनाता हूँ हर कोई आता है मेरे पास सो हैव यू और जैसे कि तुम भी आ गए इस तरह से तो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं डेरी कहता बट आई एम नॉट अ फ्रेंड मैं तो आपका फ्रेंड नहीं हूँ लैम कहते हैं सटेनली यू आर कहता क्यों तुम क्यों नहीं हो सो फार एज आई एम कंसर्न जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं तो तुम्हें भी दोस्त मानता हूँ वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट भी तुमने मेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त ना मानूँ तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मेरा गलत डेरी कहता यू डोंट नो मी यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वट माई नेम इज़ कहता आप तो मुझे जानते भी नहीं आपको तो ये भी नहीं पता मेरा नाम क्या है फिर मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूं वाई शुड दैट सिग्निफाई अब लैम कहते हैं सिग्निफाई मीन्स इम्पोर्टेंट कहता ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कौन हो कहाँ से आए हो क्या नाम है डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड क्या मुझे तुम्हें दोस्त बनाने से पहले तुम्हारी सारी डिटेल रखनी पड़ेगी अपने पास नोट करके ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कहता अब डेरी भी सोचता है अभी बात तो ठीक है कहता आई सपोज नोट नो हाँ मुझे भी लगता है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी किसी को दोस्त बनाने से पहले उसकी सारी डिटेल हो आपके पास तो लैम क्या कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो इफ़ यू चूज अगर तुम्हारा मन हो तो एंड नॉट इफ़ यू डिडेंट और नहीं भी बता सकते अगर नहीं मन है तो भी आपका मन है तुम्हारा तो बता भी सकते हो नहीं है तो नहीं भी अब डायरी अपना नेम बताता है कहता है डायरी मेरा नाम डायरी है ओनली इट्स डायरेक्ट वैसे असली नाम मेरा डायरेक्ट है बट आई हेट दैट मुझे वो नाम अच्छा नहीं लगता डैरी इट्स ऑल राइट कि डैरी मुझे अच्छा लगता है इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन कहता लेकिन अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो जरूरी तो नहीं है कि तुम भी मुझे अपना फ्रेंड मानो आई चूज दैट भी ये तो मेरी चॉइस है भी अगर मैं किसी को फ्रेंड मानता हूँ वो भी मुझे फ्रेंड माने ये तो कोई जरूरी नहीं है कहने का मतलब लैम कहते हैं सर्टेनली ये तो है डेरी कहता आई माइट नेवर कम हेयर अगेन यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कूडन स्टिल बी अ फ्रेंड कहता मैं यहाँ दोबारा शायद ही आऊँ और तुम मुझसे शायद ही मिलो फिर मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ भी एक मीटिंग में कहने का मतलब मैं आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ आप तो कह रहे हो भी <coughs> मैं आपका फ्रेंड हूँ तो एक मीटिंग से कैसे डिसाइड होगा हो सकता है इसके बाद मैं कभी आऊँ ही ना आप मुझसे मिलो ही ना कभी तो तो मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ कहते वाई नोट क्यों नहीं कहते हाउ कुड आई यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी दैम अगेन इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स कथा अगर मान लो कोई गली से आपके क्रॉस करता है आप उससे बात कर लेते हैं उसके बाद आप उससे कभी मिले ही नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग फ्रेंड्स हैं आपस में अब उसका कहने का मतलब है भी मैं वापिस आऊँ ही नहीं तो आपको क्या पता अभी हम फ्रेंड्स हैं कि नहीं हैं फिर तो कोई जरूरी नहीं है एक बार मिलने से ही तो नहीं फ्रेंड बन गए हम तो ऐसा उसके मन में चल रहा है कि शायद मैं ना हूँ तो फिर हम फ्रेंड्स कैसे रहे इस तरह से वो बात करता है मिस्टर लैम क्या कहते हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट कहता ठीक है जो लोग एक दूसरे से एक आधी बार मिले दोबारा कभी ना मिलें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दुश्मन है आइदर डज इट क्या है डैरी कहता नो दे आर जस्ट फिर सोच के कहता नथिंग पीपल दैट्स ऑल कहता हाँ दुश्मन तो नहीं है लेकिन दोस्त भी नहीं है वो तो सिर्फ वो तो कुछ भी नहीं है बस लोग हैं, दैट्स ऑल तो उसके मन में सारी नेगेटिविटी है क्योंकि तो वो लोगों से इतना मिलता भी नहीं है लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर कहता जो लोग हैं वो लोग नथिंग तो हो ही नहीं सकते कभी भी नहीं हो सकते लोग तो लोग हैं इंसान है इंसान कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है डैरी कहता है देर आर सम पीपल आई हेट कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफ़रत करता हूं लैम कहते हैं दैट वुड डू योर दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड कहता अगर तू किसी से नफरत करता है ना उससे तेरे को ज़्यादा नुकसान होता है किसके कंपैरेटिवली जो तेरे एसिड की बोतल है ये कहने का मतलब जो तेरा बर्ड फेस है ना एसिड ओनली बर्न्स योर फेस एसिड तो सिर्फ तुम्हारा फेस जलाता है ये जो हेट वाली फीलिंग है ना तेरे अंदर ये तो उससे भी खतरनाक है ये तो हमें अंदर से सारा और जला देती है अब उसने कहा एसिड ओनली बाउंस योर फेस एसिड ने तो सिर्फ तेरा फेस ही खरा मतलब खराब किया है जलाया है ओनली डेरी कहता है ओनली का क्या मतलब ओनली अब जैसे ही वो बोल रहा होता है इतने में फिर वो बोलते हैं एग्जाम्पल देते हैं अभी समझाने के लिए लाइम क्या कहते हैं लाइक का बॉम ओनली ब्लू अप माई लेग जैसे कि बॉम ने मेरी सिर्फ टांग उड़ाई थी ओनली देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन यू कैन बर्न यूर सेल्फ अवे इन साइड कहता है उससे तो मेरी सिर्फ टांग ही उड़ी थी उससे भी बुरा हो सकता है यू कैन बर्न यूर सेल्फ अवे इन साइड तुम अपने आप को अंदर बहुत ज़्यादा जला सकते हो मतलब नफ़रत जो है उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हें अंदर से जलाती है वो कहने का मतलब है कि तुमने अपने अंदर मन में इतनी नेगेटिविटी भर रखी है कि तुम अंदर ही अंदर जलते रहते हो इतना तुम्हारा फेस नहीं जला जितना तुम अंदर से जलते रहते हो फिर डेरी क्या कहता है आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in there in the hospital he would be better off with others like himself she thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys idiot boys with idiot boys कहते जब मैं घर आया था ना जो मेरा फेस जल गया था तो एक पर्सन ने पता क्या कहा था इसको तो वहीं रहना चाहिए था हॉस्पिटल में इसको तो उनके साथ ही रहना ठीक है जो इसकी तरह हैं यानी कि जिनका फेस जला हुआ है इस तरह से हैं इनको तो इस डेरी को तो उसके साथ ही रहना चाहिए था जब मैं वापस आया था घर हॉस्पिटल से जलने के बाद तो सब एक पर्सन को मैंने ये कहते सुना था शी थिंक्स और वो पर्सन क्या था कौन थी कोई लेडी थी उसका क्या मानना था ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड ईडियट बॉयज़ विद ईडियट बॉयज़ कि ब्लाइंड लोग हैं ना उनको ब्लाइंड पीपल के साथ ही रहना चाहिए वही उनके लिए बेनिफिशियल है और जो इडियट हैं उनको ईडियट के साथ ही रहना चाहिए उसका ये मानना था लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर इसका मतलब जिसकी टांगे नहीं हैं वो भी ऐसे ही इकट्ठे रहें जिनकी टांगे नहीं आपस में डेरी कहता दैट्स राइट हाँ यही मतलब हुआ लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड दैट बी अगर ऐसा हो जाए अंधे अंधे के साथ ही रहें सारे नॉर्मल पीपल के साथ ना रहें, लंगड़े लंगड़े के साथ ईडियट ईडियट के साथ तो फिर वो कैसा संसार बन जाएगा कैसी दुनिया हो जाएगी ये तो डेरी कहता एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम कहता कम से कम तुम्हारे बीच में कोई ऐसा आदमी तो नहीं होगा जो तुम्हें घूरता रहे बिकॉज़ यू वर नॉट लाइक देम क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो अब फिर उसके मन में नेगेटिविटी है कि लोग जो हैं भी अगर हम नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं और हमारा फेस जला हुआ है या हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो लोग जो हैं वो घूरने लग जाते हैं जिससे कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि तुम उसके जैसे नहीं हो लैम कहते हैं सो यू थिंक so you think you are just the same as all the other people with burnt faces अच्छा तुम सोचते हो भी burnt faces लोगों को burnt faces वालों के साथ ही रहना चाहिए तुम्हें क्या लगता है जिनका भी face जला हुआ है वो सब same है just by what you look like भी तुम दिखाई ऐसे देते हो इसलिए एक जैसे ही हो तुम हाँ एवरी थिंग इज डिफरेंट कहता अरे हर चीज़ अलग है एवरी थिंग इज़ द सेम बट एवरी थिंग इज डिफरेंट सब चीजें दिखने में सेम है लेकिन हर एक में कोई ना कोई फ़र्क है इट् खुद से ही हाउ डू यू मेक आउट मेक ऑल दैट आउट कहता ऐसे कैसे है भी सब सेम है और सब डिफरेंट है ऐसे कैसे हो सकता है कहता है वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग सब की अलग होती है भी सब का देखने का नजरिया उस उनका सुनना उनका सोचना सबका अलग होता है डेरी क्या कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस वो भी उस चीज में एग्री करता है वैसे तो कहता है मुझे जो है इस तरह का प्लेस पसंद है अ गार्डन ऐसा गार्डन आई वुड लाइक अ हाउस विद नो करटन्स मुझे तो ऐसा घर पसंद है जिसके कर्टन्स ना हो यानी कि उसको लैम का घर पसंद आया है गार्डन घर लैम क्या कहते हैं द गेट इज ऑलवेज ओपन दरवाज़ा खुला है अब वो समझते हैं भी ये इसका मन लगता है यहाँ पर आना चाहता है तो कहते हैं गेट हमेशा खुला है रे लिए डैरी कहता बट दिस इज नॉट माइन लेकिन यह घर मेरा तो नहीं है एवरी थिंग्स योर्स इफ यू वॉन्ट इट कहता हर चीज तुम्हारी है अगर तुम चाहते हो व्हाट्स माइन इज एनी बडीज जो चीज मेरी है वो सबकी है मेरे लिए डैरी कहता सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हेयर कहता तो क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ अगर आप यहाँ पर घर पर ना भी हो, तो भी आ सकता हूँ सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हेयर कोर्स कहता हाँ हाँ क्यों नहीं आ सकते सर्टेनली आ सकते हो मैं नहीं हूँगा तो क्या हुआ यहां कोई और होंगे अब डैरी कहता है ओह अब उसको नहीं पता था भी और कौन हो सकते हैं यहाँ भी ये नहीं होंगे था वो तो यूँ सोच रहा ना भी खाली होगा तो वहां आ जाएगा मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीडेंट स्टॉप यू यू नीडेड माइंड कोई तुम्हें नहीं रोकेगा और तुम भी तुम्हें भी माइंड करने की कोई बात नहीं है फिर तुम अपना आना वो अपना खेल रहे होंगे या आए होंगे लोग डैरी कहता है इट वुड स्टॉप देम दे वुड माइंड मी वैन दे सो मी हेयर दे लुक एट माई फेस एंड रन कहता है मैं नहीं रुकने वाला या मैं माइंड करूं, इसकी तो बात ही नहीं होगी बल्कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे वो माइंड करेंगे मेरे यहाँ रहने से जब वो मुझे देखेंगे मेरा फेस देखेंगे भाग जाएंगे कहता है तो अभी भी उसके मन में नेगेटिविटी चल रही है भी लोग जो हैं वो भाग जाते हैं मैं नहीं भागता तो उसने अपनी एक बैरियर से बना रखे हैं अपनी एक बाउंड्री सी बना रखा है जिससे वो बिल्कुल बाहर ही नहीं आना चाहता <coughs> आगे क्या कहते हैं मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट दे माइट नॉट यू वुड हैव टू टेक द रिस्क सो वुड दे कहता वो भाग भी सकते हैं वो नहीं भी भाग सकते वो ऐसा कर भी सकते हैं तुम्हारे को देख के नहीं भी कर सकते रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें और उनको भी रिस्क रिस्क तो दोनों को ही है डेरी कहता नो यू वुड कहता है नहीं तुम्हें रिस्क होगा इसमें यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट कहता है इससे आपको ही नुकसान होगा उनको या मुझे नहीं क्योंकि आप मेरे चक्कर में बाकी सारे फ्रेंड्स खो दोगे क्योंकि नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी क्योंकि वो मेरे पास रुकना ही नहीं कोई चाहेगा मेरे साथ कोई रह ही नहीं सकता तो तुम भी मैं ही मैं रह जाऊंगा बाकी सारे फ्रेंड्स तो तुम खोदोगे मेरे चक्कर में लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव मैं तो नहीं भागा तुम्हें देख के डैडी कहते नो लैम कहते हैं वेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम but they still come into the garden into my house it's a game they are not afraid of me why should they be because i am not afraid of them that's why not तो वो अपना एग्जांपल देते हैं जैसे जब मैं गली में जाता हूं ना बच्चे चिल्लाते हैं पीछे से मेरे को लेमी लेम आ गया लेमी लेम आ गया वि लंगड़ा लेम आ गया but they still come into my garden कहते फिर भी मेरे गार्डन में आ जाते हैं ऐसा कहने के बावजूद भी वो हिम्मत करते हैं आ जाते हैं मेरे घर में आ जाते हैं ये तो एक गेम है दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी मेरे से डरते तो नहीं हैं वो वाई शुड दे भी और उनको डरना भी क्यों चाहिए बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम दैट्स वाई नोट क्योंकि मैं भी नहीं डरता उनसे उनको भी नहीं डरना चाहिए अब डेरी फिर क्वेश्चन आता है उसके महीने डिड यू गेट your leg ब्लोन ऑफ इन द वॉर कहता कोई युद्ध में आपकी टांग उड़ गई थी धमाके में लाइम कहते हैं सटेनली कहता हाँ डैडी कहता हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन कहता फिर आप लैडर पे कैसे चढ़ेंगे आप कह रहे थे भी मैं क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा पक गए हैं <coughs> तो आप लैडर पे कैसे चढ़ोगे आपकी तो टांग ही जो है एक एक टिन की है और वो एप्पल्स कैसे उतारोगे नीचे लैम कहते हैं ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट इयर्स आई टेक इट स्टडी कहता इसमें क्या बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं काफ़ी समय से और भी मेरे पास काफ़ी समय होता है इसके लिए कई कई साल मैं आराम से करता रहता हूँ इसको आई टेक इट स्टडी स्लोली स्लोली हो जाता है सब डेरी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन ता है इस तरह से आप कभी भी गिर सकते हो गिरकर आपकी गर्दन टूट सकती है आप कहीं ना कभी घास पे पड़े हो और मर सकते हो इफ़ यू वर ऑन योर ओन भी अगर आपने ये काम अकेले किया कभी गिर गए गर्दन टूट गई कहीं घास पे पड़े होोगे या मर जाओगे अकेले तो लैम कहते हैं आई कुड मैं कर सकता हूं ऐसे डेरी कहता यू सेड आई कुड हेल्प यू आपने कहा था ना भी मैं आपकी हेल्प करवा सकता हूं ये स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी भी तुम चाहो तो मेरी हेल्प करवा सकते हो एप्पल्स के लिए लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू अगर तुम चाहो तो करवा सकते हो डैरी कहता है बट माय मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम इट्स थ्री माइल्स होम अक्रॉस द फील्ड्स आई एम फोर्टीन बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम लेकिन मेरी मम्मी ये जानना जरूर चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ और तीन तीन मील जो है मैं दूर आया हुआ हूँ घर से उन खेतों को क्रॉस करके आई एम फोर्टीन मैं चौदह साल का हूँ लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ लैम कहते हैं पीपल वरी लोग तो चिंता करते ही हैं कहता तो चिंता नहीं करते पीपल फर्स्ट बस धक्के काम की चिंता करते हैं वैसे ही पूछताछ करते हैं लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम अगर ऐसा है तो वापिस जाके कह या उनको बताया भी तू यहाँ है डैरी कहता है इट्स थ्री माइल्स तीन मील दूर है भाई लैम कहते हैं इट्स फाइन इवनिंग तो फिर क्या हो गया मौसम ठीक है यू हैव गट लेग्स तुम्हारे पास टांगे हैं भी भाग के चला जा बताया जाके डैरी कहता है वंस आई गट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक अगर मैं एक बार घर चला गया ना मेरे को वापिस नहीं आने देंगे मुझे पता है लैम क्या कहते हैं वंस यू गट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक कहता है वंस यू गट होम अगर तुम एक बार घर चले गए तो तुम वैसे ही नहीं आने वाले तुम्हारी मर्जी से ही तुम उनका बहाना मत करो भी वो नहीं आने देंगे तुम खुद ही नहीं आना चाहोगे अब डैरी क्या कहता है यू डोंट नो यू डोंट नो वट आई कुड डू तुम्हें नहीं पता तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो नो ओनली यू नो दैट कहता ना मुझे तो नहीं पता तू क्या कर सकता वो कहता ना तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ अब वो थोड़ा सा <स्थाँग> उसकी बात से अंदर से भड़क गया भी उसने कहा ना भी तुम खुद ही नहीं आना चाहोगे तो कौन आने देगा तुम्हें क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ कहता नहीं तुम्हें पता है भी तुम क्या कर सकते हो डेरीके कहता इफ़ आई चोज अगर मैंने एक बार ठान लिया ना आ इफ़ यू चोज आई डोंट नो एवरी थिंग बॉय आई कांट टेल यू वट टू डू कहता तो अच्छा अगर तुमने ठान लिया फिर तो मैं नहीं बता सकता सारी चीज़ें कि तुम क्या कर सकते हो ये तो तुम ही बता सकते हो सो दिस इज द स्टोरी On the face of it. That's all for today, beta. Watch the video and solve the question answers. Okay, goodbye.